वाटर सप्लाई और इसके न्यूमेरिकल्स। वाटर सप्लाई में मतलब एक तो इसके सोर्सेज तो करने की जरूरत नहीं है, जो इसमें मेन लगा था मुझे दैट इज एक्वीफर। एक्वीफर होते हैं जब वाटर ट्रैप्ड इन सेडिमेंटरी रॉक्स, दैट इज नोन एज एक्वीफर। सेडिमेंटरी रॉक्स नोन एज एक्वीफर। एंड तो इसमें कुछ खास था नहीं। देन इसके बाद आता है वाटर फिल्ट्रेशन, वो वाटर प्योरीफायर। ठीक है, इसकी कुछ सात आठ स्टेज हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्री ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी वही है सेडिमेंटेशन जो हमने उसमें पढ़ा था सीवेज में। सबसे पहले इसको भी रख लेते हैं पानी को, ताकि मिट्टी विट्टी बैठ जाए। ठीक है, और उसके बाद स्क्रीनिंग कर देते हैं ऊपर, और ऊपर से ग्रीस और नीचे से मिट्टी विट्टी साफ़ हो जाए। सेकंड इज पीएस एडजस्टमेंट, उसमें तो हम उसमें कार्बोनियस वेस्ट को हटाते हैं। इसमें पीएच, अगर पानी मतलब हमारा एम होता है कि पीएच हम 7 तक ले आए, क्योंकि पानी पीने का H2O7 तक चाहिए होता है पीएच वैल्यू। तो पीएच अगर हमारा मीन्स 7 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसमें बेसिक मिला देते हैं, ओ एसिड मिला देते हैं। पीएच अभी इसका मतलब क्या है, 7 से ज़्यादा है तो हम उसमें एसिड मिलाएंगे। ठीक है, जब पीएच हमारा 7 से कम आ जाए तो हम उस एसिड मतलब HCl मिला दो, बेस मतलब लाइम मिला दो। ठीक है, तो पीएच एडजस्टमेंट हम 7 के आसपास ले आते हैं। थर्ड इज इम्पोर्टेंट, दैट इज कोएगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन। इसमें क्या होता है, हमने मिट्टी भी निकाल दी, पीएच भी नॉर्मल कर दिया, लेकिन क्या होता है कि इसमें एक टर्म आती है टर्बिडिटी। मीन्स आप सीवर का पानी देखोगे ना, जब आप घर में सीवर का पानी आए, मिट्टी तो बैठ जाती है, लेकिन सीवर के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो बैठते नहीं हैं, वो पानी में मिले ही रहते हैं। जैसे ग्लूकोन डी मान लो, पानी में मिल चुका है अब वो, ठीक है ना, वो बैठेगा नहीं कभी भी, वो पानी में मिला ही रहेगा। तो उसको कैसे हटाएंगे, दीज पार्टिकल्स नोन एज सस्पेंडेड पार्टिकल्स। मिट्टी बैठ जाएगी या थोड़े मोटे पत्थर वत्थर बैठ जाएंगे, लेकिन सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो घुल चुके हैं वो नहीं इतनी जल्दी से निकलते। तो उनको हटाने के लिए हम कोएगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन कहते हैं। उसके लिए एक टर्म आती है टर्बिडिटी, इस चीज़ को कहते हैं टर्बिडिटी। मीन्स जो ये पार्टिकल्स रहते हैं ना, जब हम इस पर लाइट मारते हैं, तो जब लाइट पास हो जाए तो समझो उसकी टर्बिडिटी जीरो है वाटर की, लेकिन लाइट पास ना हो, लाइट चमकने लगे या वो पानी मतलब दिखने लगे, तो उसमें टर्बिडिटी है। ठीक है, सो वी चेक टर्बिडिटी बाय पासिंग, चेक्ड बाय पासिंग लाइट। जब लाइट पास करें और वो रोशनी हो जाए उस इसकी पानी के अंदर ही, तो मीन्स उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं और उसमें टर्बिडिटी है, उसकी टर्बिडिटी घटाओ। इसको चेक करते हैं, और इसकी यूनिट होती है NTU, तीन चार यूनिट्स होती हैं इसकी, लेकिन अभी इतनी वो होते हैं नेफ्लियो मेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। इसकी मैं वो अटैच करूँगा इसके साथ एक पेज, उसमें से भी पढ़ लेना इसको। ठीक है, टर्बिडिटी यूनिट NTU चेक करते हैं। तो कोएगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले रहते हैं कोएगुलेशन एजेंट्स, दैट इज एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूम के पाउडर्स डालते हैं हम। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो भी ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको मतलब दे मेक देम टू कम टुगेदर एंड स्टिक टुगेदर, कम टुगेदर
एंड स्टिक टू ईच अदर, एंड जब ये भारी हो जाते तो लेट देम सेटल डाउन। ठीक है, तो सेटल डाउन होने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके कोएगुलेशन एजेंट्स भी काम नहीं आते, तो फिर हम फ्लोक्यूलेशन करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, बस हमारा एजेंट बदल जाता है। इसमें एलम पार रहता है, इसमें पॉलीमर्स डल जाते हैं। ठीक है ना, मतलब ये सारे एक दूसरे के आके चिपकने लग जाते हैं। पॉलीमर्स डालने के बाद वो सारे जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो उसके चिपक जाते हैं, तो फिर और भारी हो जाता है। ठीक है, तो भारी हो गए पार्टिकल्स, जम गए, फिर हम करते हैं फोर्थ इज सेडिमेंटेशन। दोबारा सेडिमेंटेशन पानी करके ये सारे जो भी पार्टिकल्स हैं वो इसमें जमा होने लग जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक लेयर बंद कर देते हैं, उसके बाद पानी निकाल लेते हैं या फिर इसको खाली करके सारा निकाल लेते हैं। तो दिस इज सेडिमेंटेशन, सब कुछ जमा हो गया। देन फिफ्थ इज डी ए एफ टैंक्स, डिजोल्व एयर फ्लोटिंग टैंक्स। क्या होता है कि ये सारे चिपक तो गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स अभी भी ऐसे होते हैं जो हवा में इसी में रहते हैं, हल्के हुए। चिपक तो गए, दिख रहे हैं लेकिन हल्के हैं कि पानी के नीचे नहीं आ रहे। इस केस में क्या करते हैं, हम ये लिया पानी, हम नीचे से एयर बबल्स या एयर छोड़ते हैं हवा पानी के अंदर, तो जो भी हल्के पार्टिकल्स होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं सारे। फिर एक लेयर स्क्रीन डालकर ऊपर की लेयर हटा देते हैं, तो इसको कहते हैं डिजोल्व एयर फ्लोटिंग टैंक्स। ठीक है, एयर इज पंप सो दैट जो भी ये पार्टिकल्स हैं कम अप कम ऑन द टॉप ऑफ द सर्फेस ऑफ द वाटर, तो उसके बाद उसको स्कीम ऑफ कर लेते हैं, उस लेयर को हटा देते हैं। देन उसके बाद वही फिल्ट्रेशन, देन डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन तो आपको पता ही है, वही सेम है सब कुछ, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, यूवी रेज। ठीक है ना, देन इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ H2O। तो हार्डनेस ऑफ H2O होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और क्लोराइड की वजह से। तो इसमें दो टर्म्स आते हैं, दैट इज परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी जो परमानेंट हार्डनेस होते हैं वो होते हैं इन फॉर्म ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, और टेम्परेरी हार्डनेस इन फॉर्म्स ऑफ बायोकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और ये मैग्नीशियम इस टाइप। ठीक है, बस ये याद रखना कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, क्लोराइड्स, इसके कार्बोनेट्स या जो भी है वो याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो उसके बाद हमारा आता है क्लार्क प्रोसेस। क्लार्क प्रोसेस में क्या होता है, हम इसमें जी अभी हम अच्छा क्लार्क प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, अब हम टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे वो स्टडी कर रहे हैं। तो आता है हमारे सबसे पहले क्लार्क प्रोसेस। क्लार्क प्रोसेस में क्या, प्रोसेस में क्या करते हैं, वी मिक्स द लाइम वाटर इनटू द वाटर, और फिर ये जो भी होता है कैल्शियम इसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो लाइम वाटर मिलाते हैं, दिस इज नोन एज क्लार्क प्रोसेस टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। और फिर इसके जो आते हैं TDS, टोटल डिजोल्व सॉलिड। तो इस प्रोसेस में हम TDS रिमूव करते हैं। चलो ये आगे पढ़ेंगे हम TDS क्या है।
ठीक है, क्लार्क प्रोसेस आया, देन आते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके में सबसे पहले आता है आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक सोडियम, उसकी एक वो होती है रेजिन, ठीक है, जिसपे एन ए प्लस आयन्स होते हैं। अभी हमें किसको, सल्फेट और क्लोराइड्स को रिमूव करना है, ठीक है। तो एन ए प्लस आयन्स होते हैं कुछ, इसके ऊपर हम पानी घेरते हैं, तो सोडियम आयन्स पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब इसके ऊपर हम ये सल्फेट और क्लोराइड घेरते हैं तो ये एन ए प्लस आयन इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ये एन ए सी एल या सोडियम सल्फेट बना के इसको पानी को सही कर देते हैं, मतलब खुद रिएक्ट हो जाते हैं तो वो सही हो जाते हैं। बस इसमें दिक्कत क्या होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज आयन एक्सचेंज मेथड, आयन्स एक्सचेंज हो गए। बस इसमें हमें बार बार इस रेजिन को चेंज करना होता है, वी हैव टू चेंज दिस पीरियोडिकली। ठीक है, दिस इज नोन एज आयन एक्सचेंज मेथड। इस लेकिन इस आयन एक्सचेंज मेथड से ना हम, मतलब इसका डिसएडवांटेज तो ये हो गया, एक एडवांटेज ये है कि हम पॉइजनस कॉपर वोपर को भी उसमें से रिमूव कर सकते हैं इजीली इस आयन की वजह से। कॉपर या लेड को रिमूव करना तो वो भी आराम से आयन एक्सचेंज मेथड से रिमूव हो जाता है। देन सेकेंड इज डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन तो सबको ही पता है सबसे आसान, मतलब पानी इसमें गर्म किया और ये बूंद बूंद करके डिस्टिलेशन, ठीक है। देन हमारा आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, जो भी हमारे इसमें होता है क्या कहते हैं नॉर्मल आरओ में, कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, मतलब एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो नॉर्मल होता है कि मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो जाता है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, ठीक है, तो वो इसमें जाने लग जाता है तो हमारा पानी साफ़ हो जाता है, मतलब हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर की तरफ जाने लगता है। इन सब चीज़ याद रखो, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। लेकिन इसमें भी हमें पीरियोडिकली इस मेम्ब्रेन को रिमूव करना होता है, मेम्ब्रेन चेंज। देन हमारे आते हैं जियोलाइट्स, जियोलाइट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स मेक ऑफ जियो प्लस लाइट्स, लाइट्स आपने सुना ही होगा, सैंडेलाइट्स इस टाइप के, मतलब जियो मतलब बॉइलिंग एंड लाइट्स मतलब स्टोन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, मतलब इस पत्थर होते हैं उसके ऊपर पानी घेरते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको, इस सल्फेट और क्लोराइड्स को, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब इसके ऊपर हम पानी घेरते हैं ना तो भाप निकलने लगती है, मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती। जियोलाइट के अंदर ना पहले से ही पानी होता है, तो पानी होता है तो भाप निकलने लगती है, लोगों को लगता है कि जो हमने पानी डाला है वो हमारा तो भाप बन जाएगा इसलिए यूज़ नहीं करते, जबकि उसकी रीज़न ये है कि जियोलाइट्स हैव वाटर ऑलरेडी, पहले से ही इन पत्थरों में पानी होता है, सो इट इवेपोरेट्स एंड बॉइलिंग अकर। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और
स्टीम या धुआं में दिखता है। देन वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक टैंक में अगर हम एक प्लांट उगा देते हैं, उस टाइप के प्लांट्स, उनकी जड़ें इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि उनकी रूट्स कैन एब्जॉर्ब कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, तो वो आर वाटर हायसिंथ। ओके, ये ख़त्म हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम। अब हम देखते हैं इसका सर्विसेज का लास्ट टॉपिक, दैट इज न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, मीन्स TDS, जो टोटल डिजोल्व साल्ट, मीन्स जब आपका आर वाला चेक करने आता है तो अपने साथ एक वो लाते हैं ना, इसमें पानी गिरता है और इसमें सुई घुसाता है, उसमें वैल्यू आ जाती है कि इतना TDS है। तो वो क्या होता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस इज मेजर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय वेट, मीन्स अगर हार्डनेस ऑफ वाटर का हम फॉर्मूला लिखें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है वो पता था हमारे हार्डनेस ऑफ वाटर, मीन्स इसकी यूनिट हो गई mg अपॉन लीटर, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट mg में आता है और ये लीटर ऑफ वाटर। सो इसको अगर हम वो ग्राम बाय उसमें चेंज करें तो 1/10³ ऑफ ग्राम, और लीटर को ml में 10³ ऑफ ml, 1/10 की पावर 6 ऑफ ml, वो ग्राम बाय ml, ठीक है। सो 0 से 60 तक के बीच की जो TDS वैल्यू आती है वो कंसिडर करते हैं हम सॉफ्ट वाटर के लिए, लेकिन बिस्लेरी वाले तो 20 तक गिरा देते हैं, इतना भी नहीं गिराना चाहिए। ओके, दैट्स डिपेंड्स। उसके बाद हमारे पास दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसके डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी आते हैं हर बार, हेजन विलियम इक्वेशन। हेजन विलियम इक्वेशन यूज फॉर ओपन फ्लो, ओपन यूज फॉर क्लोज्ड चैनल, क्लोज चैनल फ्लो, और क्लोज्ड मैक्सिमम हमारी, मतलब जो भी हमारी क्लोज है मतलब वो बनी बनाई आती होगी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, और वो मैक्सिमम हमारी सर्कुलर आती है, लेकिन रेक्टेंगुलर है तो भी कोई बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, टू डिटरमाइन द वेलोसिटी निकालने के लिए पानी की, कि कितनी वेलोसिटी होगी उसमें। सो वी इज इक्वल टू 0.849 इंटू सी इंटू आर 0.63 इंटू एस 0.54, तो ये याद रखना 0.63, 0.54 मीन्स 7 × 9 = 63 और 6 × 9 = 54। तो ऐसे याद रख लो, या आप डिवीज़न में कर लो इसको कन्वर्ट कि 1/3, 1/2, ठीक है। तो ये याद रखना 0.63, 0.54 CR, सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। V इज वेलोसिटी ऑफ वाटर मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, सी इज रफनेस कोफिशियंट ऑफ मटेरियल, ये तो क्वेश्चन में ही बन होगा, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। आर इज हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है ये इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकालते हैं, कई बार यही आ जाता है हाइड्रोलिक रेडियस, तो ये होता है नेट एरिया अपॉन नेट पैरामीटर। ठीक है, अभी ये क्लोज्ड है तो वैसे ये होता है वेट एरिया अपॉन वेट पैरामीटर, कितना आपका एरिया पानी से भरा हुआ है और कितना पैरामीट्रिक पानी के गीला है, मतलब ये अभी ओपन में देखेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि क्लोज में क्या होता है पानी आपका फुल तक भरा ही जाता है। अच्छा एक कंसेप्ट बताता हूँ, साइफनिक ड्रेनेज, जब भी हमारा पाइप टेरेस से पानी निकलता है ना, आउट ऑफ सिलेबस है, हम डिज़ाइन करते हैं तब कंसेप्ट आया था इसलिए बता रहा हूँ। मीन्स आपका टेरेस है और आपने जो रेन वाटर पाइप निकलता है तो ठीक है, तो पानी जब निकल गिरता है तो मतलब छत से पानी जब पाइप में बाहर निकलने के लिए निकलता है तो पाइप वो पानी पाइप के चारों ओर लग के जाता है, मीन्स पाइप आपकी फुल भर के नहीं जाती, चाहे कितना भी प्रेशर हो, पानी आपका पाइप के चारों ओर सरफेस के चारों ओर, जैसे प्लान में है तो पानी सरफेस के चारों ओर लग के जाता है, ये सारा पानी जा रहा है, बीच में पाइप आपकी खाली रहती है। तो साइफनिक ड्रेनेज में क्या होता है, उसमें यही पाइप का साइज़ पानी घुसने से पहले इसमें छोटे छोटे पाइप डाल देते हैं, मतलब छोटे छोटे पाइप डाल देते हैं कुछ लेवल तक, जैसे इसी को उसने सेक्शन में देखें तो छोटे छोटे पाइप्स डाल दिए, भर दिया पूरा। ठीक है, जब इसमें पानी आता है टेरेस से तो इन पाइपों से जाता है वो, और उसमें क्या होता है कि उसमें पानी पूरा भर के जाता है, पानी आपका मतलब इंस्टेंट ऑफ के बीच में स्पेस रहे इसमें पूरा भर के पानी जाता है, और इतनी ज़्यादा स्पीड होती है इसकी कि यूट्यूब पे वीडियो देख लेना तो पढ़ने का मन हो तो, ठीक है ना, तो लीव इट। नेट एरिया अपॉन नेट पैरामीटर, इसमें क्या है, अब एरिया क्या है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, इस केस में बता रहा हूँ, और पैरामीटर क्या है, टू पाई आर, सो आपका आर बाय टू, दिस इज द हाइड्रोलिक रेडियस। ठीक है, अगर क्लोज्ड में रेक्टेंगुलर है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कभी भी क्लोज बनाते नहीं है, बट आ जाए तो वही जो भी एक्स इंटू वाई या क्यूब है तो एक्स स्क्वेयर इंटू में टू एक्स प्लस टू वाई, ठीक है, ये हाइड्रोलिक रेडियस हो गई। देन एस इज स्लोप ऑफ पाइपलाइन, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, स्लोप ऑफ पाइपलाइन और हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। ओके, सो दिस इज द हेजन विलियम्स फॉर्मूला, नाउ दिस यूज फॉर क्लोज चैनल, याद रखना। अब हम बात करते हैं ओपन चैनल के लिए, ओपन चैनल के लिए लगता है मैनिंग फॉर्मूला, मैनिंग फॉर्मूला यूज फॉर ओपन ड्रेन, जो आपकी गलियों में ड्रेन ओपन होती है, यूज फॉर ओपन ड्रेन, ठीक है, मतलब ये जनरली रेक्टेंगुलर होती है क्योंकि कोई भी सर्कुलर ड्रेन ओपन तो बनाते नहीं, सर्कुलर बना रहे हैं तो ओपन तो कभी बनाते नहीं, वो सर्कुलर कभी नहीं बनाते क्योंकि ईजी होता है रेक्टेंगल बनाना, सर्कल में आपको सीमेंट भरना पड़ेगा साइड में इतना सारा, कोई भरता नहीं, रेक्टेंगल ही बनते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका भी सिंपल फॉर्मूला है, वन बाय सी इंटू आर की पावर टू बाय थ्री इंटू एस की पावर वन बाय टू, सब कुछ वही है, वी इज़ द वेलोसिटी, सी इज़ द कोफिशियंट ऑफ रफनेस, आर इज़ द हाइड्रोलिक रेडियस, एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ फ्लो। ठीक है, बस इसमें एक फैक्टर ये इंटू हो रहा था, इसमें कोई फैक्टर इंटू नहीं है, इसमें आर जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो कैसे निकालेंगे, इसमें देखना ध्यान से देखना, ओपन है ये, ठीक है, तो इसमें वही एरिया अपॉन जो पैरामीटर करेंगे हम, एरिया हो जाएगा, मान लो ये एक्स है ये वाई है, एरिया तो हो गया हमारा एक्स इंटू वाई, पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होगा जहाँ जहाँ पानी है,
इसी सरफेस को पानी टच कर रहा है ना, तो एक्स टू एक्स प्लस वाई दिस इज द पैरीमीटर। टू एक्स प्लस टू वाई नहीं होगा ये, वाई को इस वाले वाई को कंसिडर नहीं करेंगे हम, टू एक्स प्लस वाई इज द पैरीमीटर। ठीक है, अच्छा अगर ये पानी इतना ही होता ना हाफ फिल, तो हम ये विड्थ लेते उसकी, तो हम इसके लिए कंसिडर करते हैं, मीन्स ये हो जाता y बाई टू, वाई बाई टू, सो x इंटू वाई बाई टू अपॉन ए एक्स प्लस टू वाई बाई टू। ठीक है, दिस इज द मैनिंग फॉर्मूला, मतलब जो जो पार्ट गीला है वही कंसिडर करेंगे हम, क्लोज में तो पूरा पार्ट ही गीला होता है। देन आता है हमारे पास वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड की आपको एक पंप दे रखा है, ये कितनी ऊपर तक पानी भेज सकता है, दैट इज दिस एच हमें निकालनी होती है, दैट इज नोन एज वेलोसिटी हेड। इसमें सिंपल सा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख दो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एम से एच गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, एच हमें फाइंड आउट करना है, सो एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी, जी इज इक्वल टू 10 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आप लेना चाहो वो, या क्वेश्चन में गिवन होगी तो। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला। एंड एक होता है कांस्टेंट फ्लो के बेस पर न्यूमेरिकल साथ है कि ये आपका पाइप ये है, आगे जाके इसका वॉल्यूम इतना हो गया, तो यहाँ इतनी स्पीड से पानी गिर रहा है तो यहाँ कितनी स्पीड से पानी गिरेगा। सो इसका प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट फ्लो इज एरिया इनटू वेलोसिटी, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जितनी स्पीड से पानी गिर रहा है, मीन्स ए वन वी वन इज ए वन एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट फ्लो। मतलब ये सेम वैसे ही है कि चार बंदे इस दीवार को इतने दिन में कर रहे हैं एक काम को, तो पांच बंदे उस दीवार को कितने काम में करेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन और चार, तो ये सेम ए वन वी वन इक्वल ए टू वी टू। सो इसमें बस यही फॉर्मूलेज हैं, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल अभी मेरे पास तो एक है, डेट इज 1000 लीटर का टैंक है, 18 मीटर शायद इसकी हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, एम हो गया 1000 लीटर, जी 10, एच 18 गिवन है, सो 18 × 10^5 जूल्स। ठीक है, सो अब हम निकालेंगे पावर रिक्वायर्ड, पावर आई टोल्ड यू कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, सो एनर्जी अपॉन टाइम 18 × 10^5 अपॉन टाइम इज गिवन 30 मिनट्स, तो 30 × 60 सेकेंड्स दिस कम टू बी 1000 वॉट। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि एफिशिएंसी ऑफ पंप भी दे रखी है, एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 80%, मतलब जितना पंप वाट का पंप लाओगे वो अपना 80% ही यूज़ करेगा, ये नॉर्मली एफिशिएंसी होती है। सो हम कितने, अभी हमारा आंसर आया 1000 वाट का हमें पंप चाहिए जो काम करे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसका 80% ही काम करेगा। ठीक है, तो ये निकाल लो कि 80% अगर 1000 वोट है
मतलब एप्टीट्यूड बेस है ये, आप जैसे निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो 100% कितना होगा, तो 1000 अपॉन में 80 इंटू में, सो दिस कम टू बी 125 वोट। ठीक है, तो हमें 1250 वोट की मशीन लानी पड़ेगी ताकि अपना 80% दे और 1000 वोट हमें मिले। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली एप्टीट्यूड बेस। देन एक कंसेप्ट आता है वाटर हैमर। वाटर हैमर क्या होता है कि आपका पानी एकदम से फ्लो कर रहा है, और एकदम से आप जब आप उसको ब्रेक कर देते हो ना पानी के फ्लो की स्पीड को, तो पाइप फटने के चांसेस होते हैं। दैट इज़ नोन एज वाटर हैमर, कि पानी एकदम से पत्थर की तरह, मतलब हैमर हथौड़े की तरह लगेगा पाइप पे और पाइप फटने के चांसेस होते हैं। बाकी मैनिंग और इसके मैं न्यूमेरिक क्वेश्चंस अटैच कर देता हूँ, उसमें से स्टडी कर लेना। ओके, दैट्स इट फ्रॉम द बिल्डिंग सर्विसेज, थैंक यू। ओके, सो नाउ यू स्टडी सम एनर्जी कोड्स, मीन्स ग्रिया एंड ECBC। देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी सम रेस्ट टर्मिनोलॉजीज ऑफ द बिल्डिंग सर्विसेज एंड एनवायरमेंट। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद एनर्जी। सो इन इंडिया, बेसिकली इंडिया हैज़ 3 सिग्निफिकेंट कोड्स by their national bodies, okay. So first one is BIS, which is Bureau of India Standard, ठीक है, ये हमने शायद इसमें ही पढ़ा होगा ना, BIS सी 480 mm, जो फाइन एग्रीगेट्स, ऐसे बहुत कुछ हैं। ओके, जो BIS जिसने सबसे पहले दी हमारी, वो नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड NBC। सो जो रिलेट करती है कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन पे, कि डिज़ाइन किस टाइप का, FAR एरिया एरिया सब कुछ, कंस्ट्रक्शन किस टाइप की होगी वो सब कुछ। तो फर्स्ट वन इज़ BIS, सेकंड इज़ BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ओके, जो हमें देती है ECBC कोड्स, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स। तो ये बेसिकली एनर्जी पे अपना इम्पैक्ट डालता है सब कुछ। थर्ड इज MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। EIA, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस। ओके, ये बेसिकली एनवायरनमेंट पे अपना इम्पैक्ट डालता है, मतलब ये एनवायरनमेंट की देख रेख करता है, ये बिल एनर्जी के, एंड दिस इज कंस्ट्रक्शन रेट, राइट, रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग। ओके, सो अब हम ये नेशनल बिल्डिंग कोड से इसमें पढ़ेंगे नहीं, हम स्टार्ट करते हैं ECBC कोड से। ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स, इसके नाम से क्लियरिफाई है कि किस चीज़ के लिए ये एप्लीकेबल है। ओके, सो ये कोड्स
ये कोड्स बेसिकली जो भी इन्होंने ऐप दिए हैं एनर्जी के लिए वो एप्लीकेबल हैं रेजिडेंश वो रेजिडेंशियल के नहीं, सिर्फ कमर्शियल के लिए। तो इम्पोर्टेंट नोट है कि कोड्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर कमर्शियल, नॉट रेजिडेंशियल। ठीक है, और जो कनेक्ट होंगे ओवर अ लोड ऑफ 100 किलोवाट और 120 किलोवोल्ट, जो इससे ज़्यादा लोड लेते होंगे उनके लिए कोड्स एप्लीकेबल हैं। मीन्स कमर्शियल में किन किन पे अप्लाइड, मतलब एग्जांपल्स, एज एन एग्जांपल हॉस्पिटल्स, एजुकेशन बिल्डिंग्स, हेल्थ केयर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ठीक है ना, बिजनेस, ऐसे सब कुछ, असेंबली एक्सेट्रा, उन सब पे एप्लीकेबल है ये। ओके, सो इसमें है क्या एनर्जी, ईसीबीसी कहता है कि जो भी तुम बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग शेल हैव ईपीआई एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स रेशियो, एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जो भी तुम बिल्डिंग बनाओ उसका ईपीआई लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, ये कोड कहता है। ईपीआई कैसे निकालते हैं, ईपीआई इक्वल टू एनुअल एनर्जी कंजप्शन, साल भर में कितनी एनर्जी कंजम हो रही है इन किलोवाट आवर, एंड टोटल बिल्डअप एरिया, टोटल बिल्डअप एरिया एक्सक्लूडिंग बेसमेंट। ओके, ऊपर एनर्जी नीचे बिल्डअप एरिया, बट वो कह रहे कि ईपीआई का रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। रेशियो मीन्स इस बात से आपको समझ आएगा, ईपीआई ऑफ बिल्डिंग उस ईपीआई ऑफ बिल्डिंग मीन्स ईपीआई रेशियो ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, ईपीआई ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग, ऑन ईपीआई ऑफ स्टैंडर्ड बिल्डिंग। स्टैंडर्ड बिल्डिंग मीन्स डिफरेंट होगा, ऐसे हॉस्पिटल के लिए उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड किया होगा उस एरिया के लिए इतनी, मतलब हर बिल्डिंग का हर स्टैंडर्ड होगा अपना अपना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ बिल्डिंग अपनी बिल्डिंग अपॉन में उसकी टोटल बिल्डअप एरिया, मान लो कुछ भी एरिया ऑफ बिल्डिंग, energy of that building, standard building और उसका standard area। तो आप देख सकते हो जितनी ज़्यादा हमारी energy consumption होगी उतना हमारा more than one आएगा, तो इसलिए कम से कम energy use होनी चाहिए। ठीक है, तो this is the ratio, ये हमारा हमेशा less than one आना चाहिए, तो हमारी ECBC हमारी building को सर्टिफाई करेगा। ओके, उसके बाद एक टर्म आती है इसमें यूडीआई, यूडीआई इज यूजफुल डे लाइट इल्यूमिनेंस। इसके अकॉर्डिंग जो डे लाइट है वो 100 लक्स से 2000 लक्स तक यूज़ होनी चाहिए डे लाइट। ठीक है, मतलब विंडोज़ होनी चाहिए, नहीं कि आप सारी आर्टिफिशियल लाइटिंग कर दो।
तो ये था ECBC का कोड फॉर कमर्शियल। नाउ अब हम देखते हैं, पूरा पेज ही भर गया। अब हम देखते हैं बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले ब्रीम आया था, ब्रीम दैट इज बिल्डिंग रिसर्च। इनकी फुल फॉर्म पहले तो आती थी, अब शायद ना आए। बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, ओके, सो बिल्डिंग रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एनवायरमेंटल असेसमेंट, जो कि यूके में सबसे पहले आया था। फिर उसके बाद ये फर्स्ट था, सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था बिल्डिंग को रेट देना, ग्रीन बिल्डिंग बनाना। देन उसके बाद आया लीड, जो यूएसए ने स्टार्ट किया। लीड की फुल फॉर्म इज लीडरशिप इन रिसर्च, सॉरी, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मेंटल डिजाइन, ओके, सो LEED लीड। देन लीड आया, देन बहुत सारी वो आई अलग अलग कंपनी की, अपने अपने देश की, जैसे जापान की कैसबी, याद रखना ये इजी है याद करना। देन हांगकांग की बीम, ठीक है, सबसे पहले ब्रीम देन बीम। जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है वो है साउथ अफ्रीका और सिंगापुर। तो साउथ अफ्रीका का याद रखना कि जो अफ्रीकी लोग हैं, उसेन बोल्ट और गेल आजकल स्टार ज़्यादा ही फेमस हो रहे हैं, तो स्टार वो रेटिंग देते हैं ग्रीन स्टार, और ये रेटिंग देते हैं ग्रीन मार्क, ठीक है। देन UAE एस्टिग्मा पर्ल रेटिंग, देन डिफरेंट 25 कंट्रीज हैं जो GB टूल को आप फॉलो करती हैं, ठीक है, ओके। सो लीड ने सबसे पहले इंडिया में जो एक बिल्डिंग को सबसे पहले सर्टिफाई किया था, इंडिया की फर्स्ट बिल्डिंग, दैट इज आबाद न्यूक्लियस मॉल था जो कोची में है, ठीक है। ये तो पता ही होगा कि टाइप आई 101 सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बिल्डिंग है ग्रीन। सो लीड क्या करता है, लीड जो सर्टिफाई करता है, लीड की सर्टिफिकेशन स्टार्ट होती है, सो यू कैन से कि सर्टिफाइड 40 से 49 पे, देन सिल्वर 50 से 59 पे, देन गोल्ड, देन प्लैटिनम 60 से 69, और दिस इज 60 से 79, दिस इज अबव 80। तो याद रखना इस ये चार क्लास में सर्टिफाई करता है। अब ठीक है, इसको इंडिया वाले लीड को ही फुल अडेप्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं कैसे। तो फिर IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने अडेप्ट किया लीड को, मतलब जिस टाइप से ये सर्टिफाई करते हैं उसी बेस पे काफ़ी हद तक हम भी सर्टिफाई करते हैं। तो IGBC ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, तेरी द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, IGBC MNRE की उसमें आते हैं अंडर,
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके टेरी द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसने वो गृह बनाया, तो इंडिया वाले गृह को फॉलो करते हैं, मतलब गृह इंडिया को सर्टिफाई करती है, गृह की फुल फॉर्म, ठीक है। अच्छा गृह जो सर्टिफाई करती है, गृह की फुल फॉर्म ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो जैसे ये चार क्लास में सर्टिफाई करती थी, गृह वाले पांच क्लास में सर्टिफाई करते हैं, ये सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम में ये स्टार देती है गृह वाले, मीन्स वन स्टार टू स्टार देन थ्री नंबर ऑफ स्टार्स देन ऐसे चार देन ऐसे पांच। इसके लिए नंबर कितने चाहिए, 50 से 60। तो ये याद रखना, ये 40 पे सर्टिफाई करते थे, ये 50 पे सर्टिफाई करती है इंडिया वाले। सो दिस इज 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ओके तो ये मार्क्स कैसे मिलते हैं, नंबर किस बेस पे होते हैं, तो नंबर के लिए 32 क्राइटेरिया हैं टोटल, जिनके टोटल मार्क्स 100 हैं, मतलब ये समझ लो 32 काम करने होते हैं जिन पे वो कुछ मार्क्स डिफाइन है, और टोटल हमारे उनके मार्क्स 100 होते हैं। एक टाइप का पेपर समझ लो कि 32 क्वेश्चन और उसके 100 मार्क्स हैं, और पूरे पेपर का 100 मार्क्स हैं, ठीक है। तो हम 32 के 32 तो नहीं स्टडी करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो स्टडी करेंगे। जैसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं मैंडेटरी गृह के अंदर, जो आपको पूरे करने ही करने होते हैं, ठीक है ना, मतलब बाकी नंबर एक्स्ट्रा लाने के लिए आप बाकी 32 पूरे करो, लेकिन कुछ 7-8 क्राइटेरिया हैं जो कंपलसरी होते हैं, हम वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट होता है कि डिज़ाइन इंक्लूड द साइट, मीन्स डिज़ाइन जो है वो साइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट विंड फ्लो डायरेक्शन सन डायरेक्शन ये सब कुछ देख कर डिज़ाइन होना चाहिए, मीन्स डिज़ाइन जो भी हो साइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि कोई और डिज़ाइन यहाँ पर सूट करता और इसको उठा के किसी और साइट पे रख दिया, ठीक है। देन सेकंड वन इज सैनिटेशन फैसिलिटी फॉर वर्कर, जो भी आपके वर्कर्स हैं साइट पे मजदूर, उनके लिए सैनिटेशन का इंतज़ाम करना, ठीक है, वो कहीं भी वेस्ट अपना बाहर यूज नहीं करने जाएंगे, उस साइट पे ही होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। देन सेकंड इज कन्वेंशनल एनर्जी हमारी कम हो, कन्वेंशनल एनर्जी दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट रिड्यूस हो, देन वही सिंपल ओजोन की डेप्लीशन ना हो जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वाटर क्वालिटी आप ख़राब ना करो और वाटर क्वालिटी कम से कम यूज़ करो। देन एक होता है एनर्जी ऑडिट, कि आपको अपना एनर्जी ऑडिट करवाना होता है, तभी उसके बाद आप ऑडिट करवाने के बाद गृह के पास जा सकते हो साइन के लिए। इसकी वेटेज जीरो होती है, जो मार्क्स हैं उसके ये जीरो है, जैसे इनका 5-4 नंबर इसके लिए, लेकिन इसके लिए जीरो होता है, लेकिन फिर भी इसे कराना कंपलसरी होता है। तो अब हम वो देखते हैं दो वो कि जो सबसे ज़्यादा है वो हैं महंगे, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन महंगी है, मतलब महंगे क्या मार्क्स इनके ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स एक 12 नंबर के लिए मिलते हैं, उसमें क्या है कि वो पॉइंट है जो आपकी वो है एनर्जी परफॉर्मेंस, वो बिल्डिंग के विद इन द स्पेसिफिक कंफर्ट हो, मीन्स कैसे लिखूँ इसको मैं, मतलब जो बिल्डिंग को आप वो दोगे कंफर्ट, वो मतलब जैसे आप एनर्जी बचा रहे हो, ठीक है ना, एनर्जी सेव कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए कि भाई अंदर कमरे में गर्मी लग रही है और आप एनर्जी बचा रहे हो, तो कंफर्ट भी आना चाहिए और एनर्जी फिर भी बचनी चाहिए, मीन्स ऑप्टिमाइज द एनर्जी
परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग, परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग विद इन स्पेसिफिक कंफर्ट, विद इन कंफर्ट के अंदर आनी चाहिए एनर्जी जो बच रही है आपकी, ठीक है। यानी कि कंफर्ट को मार कर एनर्जी बचा रहे हो आप। इसके मिलते हैं 12 पॉइंट। देन मिलते हैं 6 पॉइंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश। उसके बाद सबके पाँच चार पॉइंट हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्लाई ऐश, ये बिल्डिंग में फ्लाई ऐश ब्रिक व्रिक जो भी यूज़ करना चाहिए ये यूज़ होना चाहिए। तो 12 6 3200, और ये स्टार रेटिंग्स याद रखना। नाउ उसके बाद हमारे पास टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो बहुत सारी हैं, तो उनकी मैं कुछ तो पिक्स लगा दूंगा, कुछ कवर करने की कोशिश करता हूँ मेन मेन जो याद रखने की हैं। जैसे फर्स्ट इज, मतलब ये आ सकता है कि चार ऑप्शन ही आते हैं और मैच द फ्लोइंग में आ सकता है, तो इसलिए बस देख लो। तो दिस फर्स्ट इज रेजिलियंस, इसका मतलब है कि स्पीड विद विच इकोसिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट मीन्स उसको वो कहते हैं किस स्पीड पे इकोसिस्टम वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में स्टेट में आने की उस पे रहता है, तो उस स्पीड को कहते हैं, ठीक है। देन है एंथ्रोपोजेनिक इज जो भी थ्रेट्स मैन क्रिएट करता है नेचर के लिए, उन सारे थ्रेट्स को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, जैसे ओजोन का डिप्लीशन। अच्छा, ओजोन से याद आया, ओजोन O3 स्ट्रेटोस्फीयर में लाई करती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर लाई करती है, और ये आपको याद रखना हो तो क्या था इसका एक इंटू, हाँ, तू सास मेरी ताई, मतलब ये मैंने याद करने का वो ले रखा, क्योंकि ये हर बार मैं भूल जाता हूँ कि पहले कौन सा आते हैं। सो तू से ट्रोपोस्फीयर, सा से स्ट्रेटोस्फीयर, कई बार इनको अरेंज करना भी आया हुआ पहले, अब तो नहीं आएगा। तू सास मेरी, मे से मेसोस्फीयर, ताई से थर्मोस्फीयर, और ई से एग्जोस्फीयर। ओके, सो ओजोन आपकी यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर इसके बीच में लाई करती है, प्लेन, चलो वो ओरा सब जरूरत नहीं है पढ़ने की, बस ये इम्पोर्टेंट था। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों कंसेप्ट तो पता ही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो थर्मल रेडिएशंस मीन्स जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, CFCs, CO2 जो भी हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब दी थर्मल रेडिएशन सेंड बाय द सन, और फिर वो बाद में उसको रिलीज करती हैं, तो उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। थर्मल रेडिएशन को बाद में रिलीज करती है इन ऑल डायरेक्शन। और जबकि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है कि मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि ये सारी गैसेस जो सन की रेज आई वो ऊपर नहीं जाने देती, और वापस फिर इससे टकरा कर वापस यहीं पे हीट क्रिएट करती हैं अपने अर्थ पे, ये अगर गैसेस हैं, ठीक है। तो ये दीज गैसेस एक्ट एज अ ब्लैंकेट और अ ट्रैप टू दीज रेडिएशंस,
दे ट्रैप द हीट एंड द वार्म इन इन देयर सर्कल सो विच इंक्रीज विच लेट्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ दिस इज ग्लोबल वार्मिंग. देन एक आता है UHI अर्बन हीट आइलैंड. इसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे अपने मतलब शहर है मान लो, तो ये सारे शहर का टेम्परेचर तो नॉर्मल है लेकिन बीच वाले शहर का टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो रहा है, जैसे अपने NCR में आजकल हो रहा है. तो उस टर्म को कहते हैं UHI अर्बन हीट आइलैंड. मीन्स सिटी सिटी बिटवीन सिटी इन मिडल सडनली इंक्रीज देयर सडनली देयर टेम्परेचर इंक्रीज देन द सराउंडिंग सिटीज और एरियाज, तो उसको कहते हैं UHI. ठीक है. देन वन टर्म इज इन वाटर पोल्यूशन putrescibility. Putrescibility is the process of decomposition of organic matter present in microorganism using organism or oxygen. Putrescibility water pollution में काम आती है. So it is the process of decomposition of organic waste matter, organic matter जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को कहते हैं प्यूट्रिसिबिलिटी. यूट्रोफिकेशन मैंने बताया दिया था क्या है, ठीक है ना, एक्सेस एल्गे हो जाती है, वॉशिंग क्लोथ्स और ऑयल स्पिल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वॉशिंग क्लोथ्स ऑयल स्पिल मतलब होता क्या है कि जो भी डिटर्जेंट है वो भी पानी के ऊपर जम जाता है और ऑयल वो भी पानी के ऊपर जम जाती है, तो सूरज की रोशनी नीचे जा नहीं पाती मीन्स जीवों तक. ठीक है. और एल्गे फॉर्मेशन होने लग जाती है, फिर उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं. ओके. देन उसके बाद आता है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन में आपको कंटेमिनेशन पता ही है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड इतने परसेंट ऑक्सीजन इनर्ट गैस. देन उसमें एक टर्म आती है एसिड रेन. एसिड रेन होती है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. देन फिर आया AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स. ठीक है. जैसे दिल्ली में होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखते हैं अब वो क्या ये स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जो भी चालू किया है दिल्ली में इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है. इसमें क्या है, एक वन नंबर वन कलर एंड वन डिस्क्रिप्शन ये बताया जाता है. जैसे कुछ भी हो सकता है 0 से 50 मतलब ये 500 तक होते हैं नंबर, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 200 ये जाते हैं 500 तक. देन वन कलर मतलब ग्रीन रेड है उस टाइप के कलर देते हैं कि अब जैसे 0 से 50 है तो ग्रीन सही है, ज़्यादा डेंजरस हो गया तो रेड कलर दे दिया, ग्रीन है तो गुड दे दिया, नहीं तो बैड दे दिया. देन प्रीटियर देन बेटर देन दिस ये सब कुछ होता है. ठीक है. तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर जो दिखाते हैं. मेन इसके पोल्यूटेंट्स क्या हैं, 8 मेन पोल्यूटेंट्स हैं इसके. फर्स्ट इज PM10, PM2.5 ये तो आपने सुना ही होगा, पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 ये साइज है. देन फिर जो NO2, SO2 ये सब कुछ होती है. तो ये दो मेन है. मीन जब भी आप मास्क खरीदने जाओगे तो वो भी यही बताएंगे कि PM10 और PM2.5 सिर्फ उस मास्क से रुक सकता है जो भी आजकल लोग यूज़ करते हैं, ये तो गैस तो चलती रहती है. देन सोइल पोल्यूशन. सोइल पोल्यूशन में एक ही टर्म इम्पोर्टेंट है, डेट इज सेलिनेशन. सेलिनेशन होता है कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट इन सोइल.
उसको कहते हैं सेलिनेशन। ओके, इसमें तो और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं पिक्स अटैच कर दूंगा, अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उसमें से पढ़ लेना, थोड़ी राइटिंग ये मेरी रफ था तो इसलिए थोड़ी अजीब होगी, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं जो टर्म्स टर्मिनोलॉजीज हैं, ज़ीरो फाइट। अच्छा, लीड ग्रीन बिल्डिंग की वो तो याद ही रखना आप, लीड ग्रीन बिल्डिंग जो तीन फेमस हैं, दैट इज बोस्टन का ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, देन बार्ट बी एरिया रैपिड। इसके बारे में आपने पढ़ तो रखा ही होगा लेकिन आता कभी नहीं है, ठीक है ना, रैपिड ट्रांजिट। देन ओरिगन लाइट रेल सिस्टम, ये बढ़िया है, ये देख भी लेना, पोर्टलैंड का। ठीक है, ओके, ज़ीरो वाइट्स होते हैं जो प्लांट डेजर्ट में उगते हैं, और मीसोफाइट होते हैं जो कोल्ड में उगते हैं। देन इसमें है इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, मीन्स बचपन में पढ़े हुए इकोलॉजिकल पिरामिड, यहाँ पे वो, यहाँ पे सबसे ऊपर शेयर एनर्जी ट्रांसफ़र ऐसे होती है, ट्रॉपिकल लेवल, वो सब कुछ, ठीक है। इसकी मैं पिक्स अटैच कर दूँगा। इसमें से एक तो जो इस बार क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, इकोटोन, सो इकोटोन इज़ अ रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। बाकी सारी इनकी पिक्स मैं अटैच कर दूँगा, उसमें से स्टडी कर लेना। एंड और तो इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं ऐसा, बाकी मैं इन सब की पिक्स अटैच कर दूँगा, वो सब कर लेना। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ओके। देन इसके बाद आते हैं हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम बेसिकली तीन टाइप से हम करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रिड आयरन, रिंग सिस्टम एंड रेडियल सिस्टम, ठीक है। ग्रिड आयरन में मेन पाइप होती है, मेन सब ब्रांच, उसकी कट ऑफ वॉल्स होती हैं। रिंग सिस्टम में रिंग बन जाता है कि यहाँ से निकली यूं गई, ठीक है। इसकी मैं पिक अटैच कर दूंगा। ग्रिड आयरन में सीधी सीधी पानी जाती रहती है, दैट इज़ ग्रिड आयरन, यहाँ से इधर गया, यहाँ से इधर गया। इसमें रिंग बनता है कि इधर से आया, रिंग बना दिया इसने। रेडियल में क्या होता है कि मेन गया फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है शहर में, रेडियल मतलब उसमें वेव्स, वो पाइप रेडियल निकलती हैं, मेन सीवर लाइन आई मतलब पानी लाइन आई, फिर उससे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रेडियल, इसमें मेन आई उसने रेडियल वो रिंग बना दिया पूरा, ठीक है। फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है सब में। ग्रिड आयरन तो सारी मेन सीधी सीधी जा रही हैं, तो इसमें दिक्कत क्या होती है, एक तो इसमें जो पाइपलाइन बिछानी पड़ती है उसके लिए आपकी रोड भी रेडियल होनी चाहिए, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। एंड इसमें और तो कुछ खास नहीं है। देन आता है एक डेड वाटर कंसेप्ट। डेड वाटर कंसेप्ट होता है कि जब आपके नीचे पानी, ये ऊपर आपका फ्रेश वाटर है जो चल रहा होता है, और जबकि नीचे सॉलिड वाटर मतलब साल्ट हो जाता है जमा, ठीक है, तो ये डेंस होता है, ठीक है। तो जब लेयर ऑफ फ्रेश वाटर ओवर द डेंस साल्ट वाटर,
तो ये डेंजर्स होता है, मतलब फ्रेश वाटर देखकर बंदा या शिप इसमें चली जाती है तो ये डेंजर्स होता है, नीचे जाके जम जाती है फिर शिप, क्योंकि नीचे वाला पानी ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, इसमें से आपको रेजिडेंशियल का तो पता ही होना चाहिए कि 135 लीटर पर डे पर मैन पर हेड मान लो 135 लीटर रेजिडेंशियल का। ठीक है, उसके बाद एक होता है स्कूल, उसका है 45। एक होता है बोर्डिंग स्कूल, उसका भी है 135। यानी जो आप ऑफिस, मैक्सिमम ऑफिस बनाती है दुनिया, उसका है 45। ठीक है, हमने अभी एयरपोर्ट बनाया था, उसमें भी हमने एयरपोर्ट और रेलवे का 70-70 लिया था हमने। मीन्स इसके बेस पे टैंक बनते हैं, नंबर ऑफ पीपल पता चल गया हमें कि एयरपोर्ट में कितने आने जाने हैं, तो उसके बेस पे वाटर टैंक बनाना होता है। ठीक है, हॉस्पिटल आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ बेड पे, अगर 100 से ज़्यादा है हॉस्पिटल नंबर ऑफ़ बेड तो 450 लीटर, नहीं तो 340 लीटर। ठीक है, होटल में 180 लीटर। तो मेन आप रेजिडेंशियल, स्कूल और ऑफिसिस का याद रखना, ये आ सकते हैं। देन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मैंने बता दिया था, सैनिटरी लैंडफिल, पायरोलिसिस, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग। एक आता है हॉग फीडिंग, मीन्स सुअर को खिला देना वेस्ट सारा, तो उसको हॉग फीडिंग कहेंगे। डंपिंग इनटू सी मैंने बता दिया था कि कोस्टल एरिया से इतना 20 से 30 किलोमीटर दूर हमें डंप करना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक स्लीक फॉर्मेशन हो जाती है, मींस आपका जो भी है ये लेयर वो टॉप ऑन द सी आ जाती है, जिससे सूरज की रोशनी नीचे नहीं जा सकती, विच इज़ नोन एज स्लीक फॉर्मेशन। ठीक है, कॉस्टली होता है क्योंकि समुद्र से वो शिप का सारा लेके जाना होता है, लेकिन जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, क्योंकि कोई भी गैस वैस या सब कुछ वो नहीं होता। सी में रहने वाले जो भी जीव वो हैं, एनिमल्स मैमल्स, उनके लिए दिक्कत होती है, इंसान अपनी सोचता है। देन सैनिटरी लैंडफिल, लैंडफिल्स बता दिया था मैंने कि जो भी वो चीप होता है, ठीक है ना, बस थोड़ी लैंड चाहिए होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप सैनिटरी दबा रहे हो उसकी हाइट 3 मीटर से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, डेप्थ उसकी, मतलब ऊपर ले सकते हो आप, क्योंकि ये डेंजरस होती है, मीन्स कंबशन या ब्लास्ट व्लास्ट मैक्सिमम हो जाता है गैस में दबाने के बाद, तो इसलिए 3 मीटर से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। जो उसकी ट्रेंच है वो 3 से 5 मीटर के वहाँ पर लगाते हैं ट्रेंच उसके लिए, लीचेट के लिए। ठीक है, ये लगाते क्यों है, ताकि जो भी वो है ना इससे निकले वो इसमें आए, अदरवाइज वो मैक्सिमम ग्राउंड में जाएगा और नीचे हमारा ग्राउंड वाटर होगा, ये जाके उसमें जाके मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा इसमें आ जाए और वेस्ट फेंक दें, तो इसलिए इसको नीचे नहीं जान देते, लीचेट फॉर्मेशन। देन इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा, इंडोर मेथड, पहले लेयर ऑफ सोयल, फिर रिफ्यूज, फिर ये सब कुछ, सेल्वेजिंग, सेल्वेज मतलब रीयूज साइकिल सेल्वेज, ये सब कुछ है। एंड वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राई वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट के बाद मैंने आपको ये, मैंने शायद इसकी पिक लगाई दी है कि ग्रीन जाता है ऑर्गेनिक के लिए, पेपर वाइट होता है। ठीक है ना, मेरा ये वाला पेपर भी वाइट है, तो पेपर के लिए वाइट यूज़ होता है, और ग्रे तो आपको याद ही रहेगा, मेटल मैक्सिमम ग्रे ही होता है, रेड तो हमेशा ही हैज़ार्ड। देन आता है दो, ब्लू प्लास्टिक, इसको याद करने का तरीका, जब भी हम प्लास्टिक को जलाते हैं ना तो एक
सूदिंग फ्लेम निकलती है। ये 10th में पढ़ा हुआ, ब्लू कलर की, एक येलो कलर की, एक ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की फ्लेम कुछ कंसेप्ट था ना कि ये गंदी नहीं होती, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कुछ कंसेप्ट था कि पहले ब्लू कलर की फ्लेम जिसमें निकलती है वो प्लास्टिक से ही होती हैं, और वैसे भी आप जलाओगे तो पहले ब्लू कलर की दिखती है फिर उसके बाद येलो कलर की फ्लेम। चलो छोड़ो, ब्लू प्लास्टिक और लास्ट येलो ग्लास, येलो कलर का ग्लास याद रख लो, ग्लास में से येलो कलर की सनलाइट आती है, येलो ग्लास। बाकी मैं पिक्स अटैच कर देता हूँ, और इसमें कुछ खास समझाने का है नहीं, बाकी पिच से आप कर लेना।